ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, आप सभी से मैं एक चीज कहना चाहता हूं गाइस, इसमें क्या होगा कि हमारा जो मॉडल है गाइस उसको हमें वाटर के अंदर रखना है, तो गाइस उसके लिए मैं उसमें अपने मॉडल के ऊपर एक वाटर मतलब स्काई ब्लू कलर का एक कलर भी देना है अपने मॉडल के बॉडी पे। तो गाइस वो कैसे करना वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो गाइस आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको जो है सभी स्टेप ध्यान से समझ में आ जाए एंड आप जब एडिटिंग करो तो आपको एकदम ईजिली आप एडिटिंग कर पाओ अपनी, ठीक है। तो गाइस, अगर अभी तक आपसे मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यह वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइज, जाना है आपको ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइज, मॉडल को ऐड करने के बाद गाइज आपको क्या करना है गाइज, आपको जो मॉडल का जो मैं पहले यहाँ पर रोटेट कर लेता हूँ अपने मॉडल को, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स रख लूँगा। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है गाइज, आप लोगों को जब अपने मॉडल को इस तरीके से रख लोगे तो गाइज आपको जो इरेजर टूल के ऊपर जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको अपने मॉडल का डुप्लीकेट करके एंड आपको सेम साइज में रख देना है। एंड उसके बाद आपको उस मॉडल को लेके जाना आपको इफेक्ट में, एंड ऐसे लेके जाना आपको कलर्स में। कलर्स वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट, आपको ब्लैक एंड व्हाइट पे ले जाके एक बार टैप करना है, एंड उसके बाद आप उसको अमाउंट जीरो करके ऊपर से मर्ज कर देना है। देन गाइस, आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन लेकर फिर दोबारा मर्ज कर देना है, एंड जाना आपको कलराइज में, एंड उसके बाद इसको आपको आगे की तरफ बढ़ाना है अराउंड 197 पे रख के आपको डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना ब्लेंडिंग मोड में, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको दो ब्लेंडिंग मोड रखना है, तो मल्टीप्लाई या फिर ओवरले, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मल्टीप्लाई रखना है, आपको जोन सा बेटर लगे आप वो रख लेना। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि ये मैं सारे चेक कर लेता हूँ एक बारी, बट गाइज मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि यार मल्टीप्लाई वाला ठीक है, तो ये डार्कन वाला भी ठीक लग रहा है, बट गाइज इसमें थोड़ा ब्राइट लग रहा है मॉडल, तो ये हम मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ओपोसिटी इसकी कम कर लेंगे ताकि जो है यहाँ पे ज़्यादा ओपोसिटी ना लगे। एंड उसके बाद यहाँ पे इतना परफेक्ट है, आप क्या करेंगे, आप अपने इस मॉडल को डन कर देते हैं। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना गाइस अगेन ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है एक बबल का पीएनजी, ठीक है, तो उसको हम सिंपली ऐड करते हैं। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे फोटो को जूम करना है, एंड आपको अपने मॉडल के जो मतलब हैंड है, जैसे कि मतलब देखिएगा जैसे आपका मॉडल जो है किसी वाटर में जब गिरेगा ऊपर से तो जो है मतलब कि बुलबुले तो पानी में छूटते ही है ना, तो आपको उस तरीके से आपको अपने मॉडल को रखना है, एंड आपको हैंड के पास, एंड आपको जो माउथ वगैरह है एंड जो ड्रेस वगैरह वहाँ पे आपको ये कहीं कहीं पे लगाना है, ठीक है, अपने आपको अपने हिसाब से इमेजिन करना है कि कहाँ कहाँ पे बबल्स आ सकते हैं, तो आपको वहाँ वहाँ पे लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ अपने फोटोज़ में, तो आप भी अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करते हैं फटाफट। ओके गाइस, सो इतना परफेक्ट है, अब इसको हम इतना डन कर लेते हैं। एंड उसके बाद आप अपनी फोटो को हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं, एंड इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में, क्योंकि जो हमारा रियल काम है वो लाइट रूम ऐप में ही है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे लाइट वाला ऑप्शन में, आपको इसका जो कॉन्ट्रास्ट है आपको उसको बढ़ाना है, एंड जो गाइस हाईलाइट है आपको उसको थोड़ा माइनस करना है, ठीक है, एंड जो शेडो है इसको गाइस आपको यहाँ पे माइनस करना है, एंड उसके बाद जो वाइट है इसको प्लस करना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी बढ़ा देना है। फिर जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको जहाँ पे वाइब्रेशन है आपको उसको बढ़ाना है, एंड फोटो का जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा कम करना है। फिर जाना आपको कलर मिक्स में, एंड कलर मिक्स में जाने के बाद आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस करना है, एंड ल्यूमिनस जो है बढ़ा देना है। फिर आपको करना क्या, येलो कलर लेना है, सॉरी येलो कलर छोड़ दो, आपको लेना है ब्लू कलर, एंड उसके बाद इसका ह्यू बढ़ाना है, एंड इसका सैचुरेशन भी प्लस कर देना है, ठीक है। फिर इतना कर देने बाद आपको फोटो को डन करना है, एंड उसके बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पर फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो हल्का सा विग्नेट डालना है, एंड इसके नीचे आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है, तो ग्रेन अमाउंट वो बढ़ाते हैं। एंड फिर इसके बाद आपको जाना नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में थोड़ा नोट रिडक्शन डालना है, एंड फोटो के नीचे मिलेगा कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो यार आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक लेक गुड बाय।